students will learn a module 5 day 6 unleash your skills okay so please miss a last tak bane rahiye kyunki isi ke through aapko puri information milne wali hai students and learners aur agar aap channel pe new visitors hain so please channel ko jaldi se subscribe kijiye aur hit the bell icon as well chaliye shuru karte hain aaj ke module let's get started part a mein aapka hai students and learners basically aapko time management ki प्रैक्टिस करनी है, रीलर्न करना, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, आपको पूरे डे का, पूरे वीक का आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। सो इससे क्या होता है ना, आपके जो वर्क है वो ईजी वे में स्मूदली चलते हैं आगे तक। सो टाइम मैनेजमेंट उसको मैं फॉलो करती हूँ देन उससे बहुत हेल्प होता है, ठीक है ना। सो इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कीजिएगा। देन नेक्स्ट आपका है कंटिन्यू टू डिमोन्स्ट्रेट द स्किल ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव वर्क, जो कि हम प्रीवियस मॉड्यूल से सीखते आ रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट लर्निंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ सीखनी है। ऑलराइट, ग्रुप ऑफ फ्रेंड, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हैं तो ये आपको ये चीज पता होगी, इंडिपेंडेंट लर्निंग विद ग्रुप के साथ, नॉट अ सिंगल, आप खुद से नहीं, योर टीममेट के साथ, जो आपका हाउस अलग अलग डिवाइडेड हैं कॉन्सर्ट के लिए, उनके साथ आपको इंडिपेंडेंट लर्निंग सीखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है कंटिन्यू टू लर्न डिमोन्स्ट्रेट एंड रिफाइन एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ओके। सो अपनी लर्निंग को कंटिन्यूस करने के लिए आपको इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इसकी एबिलिटी को समझना है, ओके। सो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रेटन देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय प्रैक्टिसिंग सिंपल टेंस। सिंपल टेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पार्ट बी में, ये देखिए पार्ट बी भी इसी में, पार्ट बी प्रैक्टिस डिलीवरी योर सॉरी टास्क फॉर द डे। स्टेप वन में 5 मिनट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस डिलीवरी योर स्पीचेस इंडिविजुअली, ओके। इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है वायोलेट योर स्पीच ऑन ग्रामर, पंचुएशन, अप्रोशिएट वोकैबुलरी, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इटीसी पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलोको रूबिक, ओके। देन जो आपकी प्रेजेंटेशन, जो आप स्पीचेस तैयार करेंगे और खुद से ही वायोलेट आपको करना है, वो क्या क्या वायोलेट करना है, देखिए इसमें फर्स्ट आपकी है ग्रामर, ग्रामर में पंचुएशन, ग्रामर में वोकैबुलरी, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आप बोल रहे हो, आपका जेस्चर कैसा है, हर एक चीज को पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए देन अपनी स्पीच को तैयार करना है। देन स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री में है टीचर ऑफ द डे शुड रिकैप द एलोकेशन रूबिक विद द असिस्टेंट ऑफ पीर, ओके। अपने पीर के साथ आपको रिकैप करना है, आपको रीलर्न करना है जो आपने प्रीवियस मॉड्यूल में सीखा है, ठीक है। डे 6 टास्क ऑफ द डे। देन फोर्थ स्टेप में आपको प्रैक्टिस अगेन सो that you may present your best foot forward, okay। so आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बेस्ट दे सको अपना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बी का ही स्टेप है लर्निंग 20 मिनट्स, ओके। प्रैक्टिस डिलीवरी ऑफ योर स्पीचेस बिफोर हाउस मेंबर एंड रिसीव प्रोवाइड द फीडबैक यूजिंग द रूबिक सिस्टम, ओके। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने हाउसमेट के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, क्या आप रिसीव करोगे, क्या आप प्रोवाइड करोगे, उसका फीडबैक आपको देना है, ओके। ये रूब्रिक सिस्टम के थ्रू जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में लर्न किया था, ठीक है ना। सो उस अपने हाउसमेट के साथ आपको फीडबैक देना है, ओके। क्या आपने रिसीव किया, क्या आपने प्रोवाइड किया, ठीक है।
देन नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट नोट्स ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट, जो आपका कॉन्सर्ट इसके नेक्स्ट ही है, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है. द फैसिलिटेटर विल रिकॉर्ड योर वीडियोज, दीज वीडियोज विल बी वायलेट टू मेजर योर प्रोग्रेस मेड इन फोकस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग. वन ऑफ यू विद द हाइएस्ट स्कोर विल बी अवॉर्डेड द लैंग्वेज. ओके, तो स्टूडेंट्स लर्नर, सो ये आपका रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके थ्रू आपको वायलेट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा आपके प्रोग्रेस को. सो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दीजिएगा. इम्पोर्टेंट नोट्स ये है, ठीक है ना स्टूडेंट्स लर्नर, समझिएगा. नेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, जो कि आपको प्रेजेंट टेंस क्विजेस करने हैं. ये देखिए वन बाय वन, इसमें 1 to 5 है, वो नेक्स्ट पेज में है, बट मैंने आपके लिए स्पेशली ऑलरेडी एडिट करके रखती हूँ, ताकि आपको जैसे वॉइस प्रॉब्लम होता है तो राइट डाउन करके रखती हूँ, ताकि आपको उससे हेल्प हो जाए. क्विजेस मैं खुद करती हूँ, कुछ ऑनलाइन सर्च करती हूँ, ठीक है. सो क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ, चलिए उसको चेकआउट कर लेते हैं. 1 to 5 है एंड 1 to 10. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स लर्नर, ये आपका पार्ट ए है, ये एक्टिविटी बुक में है आपका. पार्ट ए में देखिए 1 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि आपको करने, मैंने आपका ये ऑलरेडी करके रखे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए. बट ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली करे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है ना. फर्स्ट है बिगिन, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. सेकेंड है स्टार्ट. ओके, सो ऐसे ही आपको फिलअप करना है. देखिए जो मैंने आपको सिखाया है, बट आप अपना इंडिपेंडेंट लर्निंग का यूज़ कीजिएगा, ताकि उन स्टूडेंट के लिए जिनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती हैं, उनके लिए मैं ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखती हूँ. 50% स्टूडेंट का बैकग्राउंड तो परफेक्ट होगा, बट 50% स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, जिनमें ज़्यादा एडुकेटेड पर्सन नहीं है, ये उनके लिए, ठीक है ना. तो कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैम उनको आता है, ये है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं रिसीव करती हूँ, आप इंग्लिश में क्यों बात नहीं करते. देखिए मेरा मोटिव ही यही था कि मैं उन स्टूडेंट तक अपनी लर्निंग पहुँचाऊँ जिनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती, मैंने वो चीज़ देखी है. कुछ स्टूडेंट में भी अच्छा बैकग्राउंड होगा, उनके फैमिली में एजुकेटेड पर्सन होंगे, ग्रेजुएशन उससे हायर एजुकेशन होगी, 12th पास होंगे, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें एजुकेटेड पर्सन नहीं होते, सो जो स्टूडेंट हैं उनको फेस करना पड़ता है, ये उनके लिए स्पेशली वीडियोज़ होती है मेरे लिए, ठीक है. सो क्लियर, चलिए इससे आपको हेल्प हो जाएगी, आप पोस्ट करके इसको इजी वे में देख सकते हो, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. एक्टिविटी बुक में देखिए पार्ट ए और पार्ट सी दिया गया, बी बीच में नहीं है, तो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है. देन ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल्स हैं, कुछ किस फिल इन द ब्लैंक, एक्स मीन कुछ नहीं लिखना है. ओके, देन आर्टिकल तो आप जानते हो एन द होता है, देन उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपके लिए तैयार करके रखा. देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपके लिए तैयार किया, आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली इसको कीजिएगा. ऑलराइट, 1 to 15 फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ऑलराइट, सो दैट्स इट. आज के मॉड्यूल में स्टूडेंट्स लर्नर इतना ही. कोई भी जो क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देती हूँ, अगर सिंगल कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग निकलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. ओके, और अगर आपको ये मॉड्यूल यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा. मैं चलती हूँ एक और मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.